हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं अपना गांव दिखाऊंगी आप लोग को। मेरा छोटा सा गांव है, वो आप लोग को मैं आज दिखाने वाली हूँ। फ्रेंड देखिए, ये मेरा छोटा सा गांव है। वहाँ पे स्कूल है और वहाँ पे जस्ट उसके अपोजिट में ये काली मंदिर है और वो पानी टंकी है। दो दो पानी टंकी है यहाँ पे मेरी। ये मेरा छोटा सा गांव है। देखिए मेरा छोटा सा गांव। ये मेरा छत है। वहाँ देखिए चारों तरफ खेत में हरियाली हरियाली है, क्योंकि अभी गेहूं और मक्का आलू का सीजन है ना, तो चारों तरफ गेहूं मक्का आलू लगा हुआ खेत में। तो यहाँ पे देखिए ये विश्वकर्मा मंदिर है। चारों तरफ हरियाली हरियाली है। ये मेरा छोटा सा गांव है फ्रेंड। ये मेरा छत है, वहाँ पे कपड़ा पछाड़ा हुआ है। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा छोटा सा गांव? बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही अच्छा है मेरा गांव। यहाँ पे घूमने वाली बहुत ही ऐसी जगह है जहाँ मैं अभी घूमने नहीं जाती हूँ। अब धूप निकलेगा तो मैं घूमने जाऊँगी। आज भी बहुत अच्छा धूप निकला है तो मैं नहा धो के आ गई हूँ छत पर रील्स बनाने के लिए। तो मैं नेक्स्ट दिन जाऊँगी घूमने, तो आप लोग को दिखाऊँगी। अभी मैं अपने छत पे हूँ, रील्स बनाने के लिए आई हूँ और खाने के लिए ये सब लेके आई हूँ। आप लोग खाइएगा तो खा सकते हो, खाइए। आप लोग खा ही होंगे, आप लोग के घर पे भी बना होगा ये सब खाने के लिए। मेरे यहाँ भी बना है। ये चूड़ा का लाई है और ये देख सकते हैं बादाम का लाई है। ये मुढ़ी का है और ये तिल का लाई है। अब मैं इसको खाऊंगी, क्योंकि आई थी नहा धोवा के छत पे तो खाने के लिए लेके आ गई थी ये सब। अब मैं पहले खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। जब तक बने रहिए। तो फ्रेंड, आप लोग को मेरा गांव कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।